सभी दोस्तों को फिर से गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। और फिर से आपका भाई आपके साथ जुड़ चुका है एक नए व्लॉग में, डेली के व्लॉग। कैसे जा रहे हैं अपने? ठीक जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात भाई, आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू कि आप मेरे व्लॉग्स को डेली देख रहे हो। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि आप सभी अपना टाइम निकाल के मेरे व्लॉग देखते हो। उस चीज़ के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के दिन की शुरुआत करते हैं। सुबह सुबह उठ चुका हूँ, अब खाना वाना खाएंगे एक बार, फिर देखते हैं आज का दिन क्या रहता है। हमारे घर का बुर्ज खलीफा देख लो, जैसे कि आप पीछे देख पा रहे होंगे। बताओ है तगड़ी डिजाइन। सीढ़ियाँ हैं भाई, ये एक दो तीन थर्ड फ्लोर तक की सीढ़ियाँ हैं। भाई मेरे कमरे में दो तीन दिन से एक मूसक भैया आते थे रोज। मूसक भैया मतलब चूहा। तो उनको क्या करा कि आपके भाई ने पकड़ लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। पिंजरा मैंने कल रखा था और ये पकड़ में आ चुके हैं, दिख रहे हैं क्या आपको? तो अब बताओ इनके साथ क्या करना चाहिए? इनकी जान बख्श देनी चाहिए या क्या करना चाहिए? कमेंट करके बताओ। द 8-year-old मैन टाइगर प्रताप सिंह इज सिटिंग हियर। एंड भाइयों ये नंबर देख लो, 7879। इसी नंबर से सारी गाड़ियों के नंबर आए हुए हैं। मतलब पहली गाड़ी यही है अपनी जिसके 7879 नंबर थे। भाइयों दिवाली के काम के साथ मुकेश भैया भी यहाँ आ चुके हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे एल्यूमिनियम का जो है रिपेयर चल रहा है, ये पूरा का पूरा इधर लगाएंगे और इधर से भी, इधर भी पूरा ये पैक कर देंगे, इधर भी लगा देंगे। तो ये पूरा सीन है। और उदयपुर में भी इन्होंने अपने काम किया है एल्यूमिनियम का, अपने गांव में स्कूल में भी यही करते हैं और पचकोड़िया में भी यही करते हैं और कोटा में भी इन्होंने किया है। और इनके अगर आपको नंबर चाहिए, कोई भी आपको एल्यूमिनियम से संबंधित काम करवाना है, तो मैं आपको नंबर दे दूंगा मुकेश भैया के, बने रहो। वे नहा धो के हो चुके हैं तैयार, खाना वाना अपन ने खा लिया है और फिलहाल एक छोटा सा काम है बैंक में, तो अपन जा रहे हैं बैंक। मौसी का कोई करवा के आना है एक बार, छोटा सा काम वो करवा के आते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। भाई चलते हैं। हाँ तो भैया यहाँ से तो अपन चल रहे हैं, लेकिन आगे ड्राइवर अंकल को लेके चलेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा है कि अपन एक दो दिन और ध्यान रख लें तो ठीक रहेगा, क्योंकि ऑपरेट करवा रखा है और वो रिकवर हो गया, लेकिन ये है हाँ भाई 100% रिकवर अपन नहीं कह सकते। तो अपन ड्राइवर अंकल को ले चलेंगे स्कूल से, वहाँ उनको फ़ोन कर दिया वो आ जाएंगे, बने रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये वक्त आ चुका है इसकी जान बख्शने का और अपन इसकी जान यहाँ बख्श देते हैं, तो इसको खोल के यहाँ छोड़ देते हैं। तो देख लो आप, ये अपन ने यहाँ खोल दिया है, तो भाई भग जा। और ये भग चुका है, तो अपन ने भाई इसकी जान बख्श दी है। हाँ तो भाइयों मैं ये कह रहा था, अगर आपके घर में भी अगर ज़्यादा चूहे और चूहिया ज़्यादा हो रहे हैं ना, तो उनको आप पकड़ के मारे नहीं, उनको आप पकड़ लो और कहीं दूर छोड़ के आ जाओ, ताकि आपके हाथों किसी की हत्या नहीं हो और आपके ऊपर पाप ना चढ़े, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। फिलहाल अपन जा रहे हैं करण सर और ये कुछ ख़राब रास्ते चल रहे हैं, देख लो। गवर्नमेंट के अब तो चुनाव भी पास में आ गए, फिर भी तैयार नहीं करवा रही इनको गवर्नमेंट, देख लो आप। हाँ तो भाइयों देख लो हमारे गाँव का कुछ इस प्रकार का नज़ारा। आजकल ये चीज़ें देखने को बहुत कम हो गई है, लेकिन आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भेड़े हैं और ये जा रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है अभी ये तो मुझे, बट ये जा रही है। देख लो भाइयों, ये सुंदरपुरा गांव में हम पहुँच चुके हैं। ये सुंदरपुरा का गांव है, अब अपन इधर से चलेंगे। जो ये जीतू भाई के, अपने जीतू भाई के घर हैं, आप देख सकते हो PSS डेयरी, यहाँ आप दूध वगैरह दे सकते हो। जीतू भाई जयपुर तक पूरी सप्लाई करता है दूध वगैरह की, बढ़िया। और इधर से अपन घूम जाएंगे और ये करण सर को जाता है रास्ता। मेरा ही भाई है जो तगड़े तरीके से ऑफ रोडिंग कर रहा है बाइक के साथ, देख लो आप। और रोड यहाँ पे नहीं बन रही है, चलते हैं आगे। हाँ तो दोस्तों ये करण सर का एक किला है, बहुत पुराना है, और अपन करण सर गाँव में एंट्री कर चुके हैं, चलते हैं आगे दिखाते हैं आपको। यो पहुंच चुके अपन बैंक, चलते हैं अंदर एक बार काम करवा देते हैं, फिर मिलता हूँ वापस आके आपसे। तो भाई यो मौसी का काम हो चुका है पूरा और मैं भी जल्दी से अपना एक अकाउंट नया खुलवा रहा हूँ PNB में। हाँ तो भाई यो निकल चुके हैं और अपना काम तो हुआ नहीं, मौसी का काम हो गया है, क्योंकि फिजिकली वो ज़रूरी था आधार कार्ड और पैन कार्ड, और वो मैं लेके आया नहीं, भूल गया। यहाँ आके पता चला कि यार अपन भी एक अकाउंट खुलवा देते हैं, तो वो हुआ नहीं, तो फिर कभी खुलवाएंगे। अब चलते हैं, निकलते हैं यहाँ से। और आपको आज मैं एक मंदिर दिखाता हूँ, करण सर का एक फेमस मंदिर है खक बाबा का, वो आपको मंदिर दिखाता हूँ,
सब आज ढोक लगा देना मंदिर पे, चलते हैं। तो भाई जिस रास्ते से अपन आए थे उस रास्ते से नहीं जाएंगे क्योंकि वो रास्ता खराब था, दूसरे रास्ते जाएंगे। और अपन पहुंच चुके हैं खक बाबा के स्थान पे, खक बाबा धाम, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको। ले लिया है नारियल को, बाजार लेते हैं यहाँ पे। और ये देख लो श्री खक बाबा धाम करणसर। हाँ तो भाई जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा मेला लगता है, और मतलब कि हर साल के साल, और एक मतलब कि यहाँ पे भंडारा किया जाता है जिसमें आसपास के गाँव के पूरे लोग आते हैं, जितने आ सकते हैं उतने लोग आते हैं यहाँ पे जीवने। और ये आपके सामने पूरा सीन, और ये है मंदिर पूरा का पूरा। भाइयो गांव में पहुंच चुके हैं, अपना गांव देख लो, टीबा वाला गांव। आपको टीबे तो दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन इसका नाम फिर बाद में पचकोड़िया कर दिया गया है। तो भाइयो पहुंच चुके हैं अपन वापस घर, हमने ड्राइवर अंकल को छोड़ दिया है और पहुंच चुके हैं। और देख लो आप शीशे भी लग चुके हैं, इधर के सारे शीशे लगा दिए हैं। हाँ तो भाइयों कैसे हो आप सब, उम्मीद है सब ठीक होंगे। और जब भी मैं अपने कमरे में वीडियो बनाता हूँ तो मैं पर्दे के सामने आ जाता हूँ, बैकग्राउंड ठीक लगता है मेरे को ये, और इधर भी बना सकता हूँ वैसे तो, बट ये ठीक है। तो मैं ये कह रहा था, ये मानस भाई है ना, इसका सीन अलग ही है। ये सब घर वालों को इसने इतना परेशान कर रखा है, इतना परेशान कर रखा है भाई, क्या बताऊँ मैं आपको। आज इसने जूते मंगवा लिए, सुबह से जूतों को नहीं खोल रहा, दिखाऊँ आपको। अभी रुको, इसकी पहले बात बताता हूँ। ये जब थर्ड क्लास में था तब मेरे को बोलता है कि भैया ये मतलब कि बड़ों के ही जूते आते हैं ब्रांडेड, या छोटे बच्चों के भी जूते आते हैं। तो ये मेरे को ऐसा लग गया कि इसको ना ब्रांडेड शूज़ पहनने की इच्छा हो रही है, क्योंकि उस टाइम मैं 10th क्लास में था, और 10th क्लास में मैं पहली बार जूते लेके आया था नाइकी के। तो मेरे को बोलता है ऐसे ऐसे, तो मैंने ये बात पापा को बोल दी, तो पापा ने इसके बढ़िया मजे लिए कि हाँ तेरे को ब्रांडेड शूज़ पहनने हैं इतने से, कोई ये वो। तो भाई इसने 8th क्लास में आके फाइनली आज इसने US पोलो के जूते मंगवा लिए, और सुबह से खोल नहीं रहा। इसकी हरकतें देख लो, घर वाले परेशान हैं इससे। मैं आपको दिखाता हूँ, देख लो शाम का टाइम है, यहाँ भी ये जूते पहन रखे हैं। शाम के बज रहे हैं, देखो कितने बज रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ, शाम को 7:53 हो रही है, देख लो आप, दिख रहे होंगे ना। तो भाई ये सीन है इसके, जूते दिखाऊं आपको, देखो खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है। इसके मुंह को देख लो एक बार, दांत दिखा दे। और भाई ये देख लो, जूते अभी भी पहन के बैठा है, देख लो आप हालत देख लो। चाचा के तो ये जुराब निकाल के पहन लेता है, चाचा जुराब लेके आते हैं एडिडास के, तो वो तो जुराब पहन लेता है, और अपने जूते पहन के एक दिन में कलर देख लो सामने से, देख ऊपर से दिखा, ये देखो व्हाइट जूते मंगवाए थे, ये देख लो कलर, शायद ये व्हाइट से और कोई और ही कलर हो गया है, कौन सा हो रखा है। तो ये सीन है इनका, तो बताओ क्या करना चाहिए अब इसका। भाई जूते खोल के आ जा यार, क्यों परेशान कर रखा है घर वालों को, भाई प्लीज खोल के आ जा। देखो वैसे तो कहना मान जाता है मेरा तो कहना तो आती मानता है ये। हाँ तो भाई हो फाइनली मानस ने अपने जूते खोल दिए हैं, इसके लिए मानस भाई को बहुत बहुत बधाई हो। और मानस भाई आज आपसे दो बात करना चाहेगा, कई दिन हो गए ये बोल रहे कि आप मेरे को वीडियो में नहीं ले रहे हो, तो आज मानस भाई दो बात करना चाहेगा। हाँ भाई बोल। तो कैसे हो आप सभी लोग, और मैंने आपको पिछले व्लॉग में बोला था कि आपको शेयर करना है और लाइक भी करना है, लेकिन आप करे नहीं, सीधे मुंह करके बात करना है, अब की बार उससे ज्यादा करना है, और कुछ नहीं ऐसे ऊपर देखे और कुछ नहीं। हाँ तो भाइयों ये बात थी मानस की, तो मानस का काम ना आप कर देना। भाइयों मैं एक चीज और पूछ रहा था आपसे कि अगर हम कॉमेडी वीडियोस लेके आए या कुछ स्टोरी टाइप में वीडियोस लेके आए तो क्या आप देखना पसंद करोगे, या हमारे डेली के व्लॉग्स देखना ये आपको ठीक लग रहा है, कमेंट करके बताना दोनों में से कौन सी चीज, मतलब कि अपन एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो भाई प्यार बरसा देना बढ़िया तरीके से, बढ़िया शेयर कर देना, बढ़िया देखना मस्त, और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी ये है कि अपन डेली बनाएंगे, बने रहो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से आप जुड़ रहे हो ना उसी तरीके से आप जुड़े रहो, मजे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप अपनी तबीयत का ध्यान रखो, और भाई मेरी थोड़ी सी हेल्थ इश्यू चल ही रही है क्योंकि ऑपरेट करवाया था, उसके बाद में रेस्ट वेस्ट किया, लेकिन हाँ एकदम पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुआ, अभी तक ठीक हूँ, लेकिन वही बात है थोड़ा सा आराम चल रहा है। तो आप बने रहो और आपको बढ़िया चीज़ दिखाएंगे। आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, शाम हो चुकी है, वीडियो लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मानस भाई फिर से दो शब्द कोई। ठीक है भाई, बाय।